अप्पू के पापा आपको पता है, एक बार माँ मुझे और सुंदर वीरा को गिर का जंगल दिखाने ले गई, और घूमते घूमते कब मैं और सुंदर वीरा माँ से बिछड़ गए वो पता ही नहीं चला। फिर वैरान जंगल में मैं और सुंदर वीरा अकेले, तेज हवा चल रही थी, समझ गया, वैरान जंगल में तेज हवा चल रही थी, दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं और सुंदर वीरा कभी दाएं कभी बाएं, दाएं बाएं देखकर चल रहे थे, क्योंकि कभी भी कहीं भी कहीं से भी कोई जानवर हमारे सामने आ सकता था। उतने में मेरे पर वो गिरा, जड़ का सूखा पत्ता। तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे ऊपर से अजगर गिरा। नहीं नहीं, अजगर वहीं पर था ही नहीं, वहां तो सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में जंगली जानवर की अजीब अजीब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक मिनट, बोलिया। जंगली जानवरों की इतनी आवाज सुनाई दे रही थी तो फिर सन्नाटा कैसा? अरे बैकग्राउंड में सन्नाटा था इसलिए तो जंगली जानवर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर बैकग्राउंड में वाहनों की आवाज ऐसी आवाज आती तो जंगली जानवर की आवाज कैसे सुनाई देती? तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर की आवाज इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में सन्नाटा था। फिर मैं और सुंदर वीरा माँ को ढूंढते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, और तभी अचानक झाड़ी में हमारे सामने कौन आ गया? पेड़ का सूखा पत्ता? नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, और मैं भी बिना डरे शेर की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। और सुंदर, सुंदर किसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था? सुंदर डर गया था इसलिए पेड़ पर चढ़ गया था। डरपोक, सुंदर तब छोटा था। लेकिन तुझे डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, मैं चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी रही और बिना डरे हिम्मत से उसके सामने आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ने लगी। अरे उधर उधर झाड़ी उधर दिखाई ना, शेर उधर है भाई, इधर किधर आ रहे हैं? सूरी, शेर सामने, मैं उसके सामने, फिर शेर दो कदम आगे बढ़ा और मैं भी दो कदम आगे बढ़ी, हम दोनों आमने सामने थे। शेर मुझे देखकर गुस्से में गुर्राया, और मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, एक बहन को राखी भी नहीं बांधने दोगे? और मेरे इस वाक्य से उसके अंदर अचानक परिवर्तन आ गया, उसकी गुस्से भरी आंखें अचानक नम हो गई और वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर मेरे सुंदर वीरा को भी पेड़ से नीचे उतारा और शेर के साथ दोस्ती करवाई। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और आधे घंटे तक जंगल में घूमे, शेर के साथ बातें की और जंगल में घूमे।
फिर खादो पे दोनों राज कह रो। अरे टप्पू के पापा, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। चल चल अबे, छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा इसको हकीकत। एक मिनट, आप नहीं मान रहे ना? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही है? जंगल में शेर को लाने। आधे घंटे तक जंगल में घूमते रहे, हम बातें करते रहे, शेर को राखी बांधी। ये देखियो। ये फोटो खींचा किसने? सिंह ने।